ये नंबर देने वाला तो मैं नहीं हूँ, जनता देती है। और किसी भी पार्टी को जनता में जाने का हक है, यात्रा करे, जलसा करे, जुलूस करे, जनता के घर में जाए, चौक में जाए। और ये जो मैं समझता हूँ कि राहुल जी विदेश में पड़े हैं, सिक्योरिटी के घेरे में रहे हैं, और भारत बहुत बड़ा देश है, उसको जानकारी लेने में उनको पूरा मौका नहीं मिला। और ये उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, कम से कम 5-7 साल उनको लगाने चाहिए इसी तरह यात्रा करके, ताकि पूरे भारतवर्ष को समझ सके। देखिए, इस तरह के बयान देना, इससे सेना का मनोबल टूटता है। हमारे वीर सैनिकों ने मुंह तोड़ करके चीनी सैनिकों को जवाब दिया है, और राहुल गांधी के तार पता नहीं कैसे चीनियों से जुड़े हुए हैं, उसको कैसे सूचना मिलती है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी सोई हुई नहीं है। इसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में अगर कोई बड़ा लेता है तो सोच विचार करके बयान देना चाहिए, खासकर राजनीति सेना के मामले में ना करे। ये मुद्दा सैनिकों का है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये सारी जनता जानती है कांग्रेस कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है और किस तरह का कब्जा उस पर एक परिवार का कितने सालों से है। अब कहने को एक डम्मी अध्यक्ष बनाया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको आज़ादी मिलेगी काम करने की। एक परिवार का कब्जा इतने सालों से इस पार्टी पर है और वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं, जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही। नहीं, रिटायरमेंट की उम्र कर्मचारियों के लिए औरों के लिए तो है, और हमारी पार्टी में एक तरह से फैसला कर ही रखा है कि 75 साल के बाद हम जो है उसको एक तरह से रिटायर कर ही देते हैं। ये काम तो दूसरी पार्टियों को इस बारे में फैसला करना चाहिए। और अगर छोटे नौजवानों को मौका देते हैं 21 साल करते हैं तो मैं इस बात की सहमत हूँ, स्वागत करूँगा कि आजकल के युवा पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं और राजनीति को भी समझते हैं, नेतृत्व के गुण भी है उनमें। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।